उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज अल्मोड़ा दौरे पर रहे। अल्मोड़ा दौरे के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रसिद्ध जागेश्वर धाम और चितई मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड और देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर दर्शन के लिए जागेश्वर और चितई मंदिर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है। राज्यपाल ने कहा कि इस बार चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 22 लाख श्रद्धालु चार धाम यात्रा में पहुंच चुके हैं। इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की सर्किट योजना पर जोर देते हुए कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को एक सर्किट से जोड़ने से पर्यटकों की तादाद भी बढ़ेगी व लोगों को सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि सड़क, हेलीपैड व अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाने की जरूरत है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और जो हमारी आस्था का केंद्र इंदु है, वो अपने आप में ही यहाँ पर उसकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। विश्व के हर एक इंसान को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने शिव जी का, अगर आपने देवी देवताओं का वास और उनका जो आशीर्वाद देखना है, उसका अनुभव करना है, आत्मिक स्तर पर अनुभव करना है, तो उत्तराखंड में आइए और देखिए कितना पवित्र समय है। चार धाम चल रही है, 22 लाख से भी ज़्यादा यात्री श्रद्धालु आ चुके हैं। हमारी सरकार, हम सब मिलकर इस चीज़ को बनाएंगे। मैं इसका दायरा एक और आगे लेके जाता हूँ कि हमको एक यात्रा का सर्किट बनाना पड़ेगा, चार धाम के साथ में बाकी जगह को भी जोड़ना पड़ेगा। हमारे को यहाँ पर सड़क को और उन्नति और विकास करना पड़ेगा, हेलीपैड को करना पड़ेगा।